चुकी हूँ माइनक्राफ्ट एसएमबी के लिए बार बार एप्लीकेशन वीडियो बनाकर। पता नहीं वो एसएमबी का ओनर तुम्हारे से ऐसा ख्याल उठा हुआ है जैसे कि तुमने उसकी किडनी मांग ली। लेकिन आज की वीडियो फुल वॉच करने के बाद जो एसएमपी का ओनर है वो खुद तुम्हारे चरणों में आके कुछ ऐसा बोलेगा। अरे भाई, आपके लिए तो एसएमपी खुला है यार, आ जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो यार फटाफट। अभी भाई यार, मेरे को कमेंट सेक्शन में कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई ये बंदा कौन से एसएमपी का ओनर है। भाई सच बताओ तो मेरे को खुद को नहीं पता। भाई मजाक बहुत कर लिया, अभी सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। तो भाई यार, तुम लोग को माइनक्राफ्ट एसएमपी पता ही होगा। अभी जिन लोगों को नहीं पता है, भाई मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगा। तुम लोग अर्थ पे रहते कि मार्स पे रहते? रुक साले, अभी अनसब्सक्राइब करता हूँ। भाई पहले ये बता, तूने सब्सक्राइब ही कब किया था? भाई यार, एसएमपी वो बंदा क्रिएट करता है जिसके पास होती है मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस। लेकिन भाई यार, अभी के टाइम पे जिसके पास 100-200 सब्सक्राइबर है वो भी बंदा लगा पड़ा है एसएमपी बनाने में। एंड भाई यार, जैसी एसएमपी बन जाती है वो बंदा अपने चैनल पर ये डालता है कि गाइस प्राइवेट एसएमपी बन चुकी है, फटाफट से एप्लीकेशन बना दो। एंड भाई यार, एप्लीकेशन उसी एग्जाम को बोलते हैं जिसको देने के बाद तुम लोग एसएमपी में ज्वाइन कर सकते हो। एंड भाई यार, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बंदे अपने यूपीएससी के एग्जाम के लिए इतना टेंशन नहीं लेंगे जितना वो अपनी एप्लीकेशन के लिए लेंगे। लेकिन भाई यार, एसएमपी बनाने के लिए लगता है एडिटिंग, वॉइस ओवर, थंबनेल, स्टोरी टेलिंग स्किल्स। एंड ये स्किल्स तो तुम्हारे में बिल्कुल भी नहीं है। जितना जल्दी बात को मान सकते हो तो भाई मान लो। अगर भाई तुम लोगों को ये सब स्किल्स आते हैं तो भाई कांग्रेचुलेशन, तुम मेरी ही ऑडियंस। बट भाई सब लोग ये कहते हैं कि भाई एसएमपी के लिए एप्लीकेशन खुला हुआ है, फटाफट से जाकर बना दो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एप्लीकेशन वीडियो बनानी कैसे है। लेकिन भाई यार, तुम लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई हाजिर है तुम लोगों की सेवा में। लेकिन भाई यार, तुम हो कि सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। भाई यार, क्यों करते हो आप मेरे साथ ऐसा? भाई मैं आप लोगों के लिए इतनी मस्त मस्त वीडियो डेली लाता रहता हूं, भाई इसीलिए बाद में लाइक सब्सक्राइब ठोक दो। सबसे पहले बात करते हैं वॉइस ओवर के बारे में, जो कि तुम्हारे वीडियो में आत्मा का काम करती है। अब मैंने इसको आत्मा का नाम क्यों दिया भाई, समझो। अभी ये तुम्हारी बॉडी है, उसमें से अगर तुम लोग आत्मा निकाल दोगे तो भाई सिर्फ बॉडी बचेगी, तो वैसी है तुम्हारी वीडियो। तो भाई यार, वॉइस ओवर करने वाले भी तीन टाइप के बंदे होते हैं। एक पहला बंदा वो जो भाई जो खुद क्या बोलते हैं उसको खुद को नहीं पता। तो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट में भाई क्या करने वाला था मैं, मेरी को क्या पूछ रहा है। एंड जो भाई दूसरे टाइप के बंदे होते हैं, भाई पता नहीं उनकी क्या ट्रेन छूट रही होती है, वो कुछ ऐसा बोलते हैं। सो कैसे राजू खेलो ले माइनक्राफ्ट में फाइंड कर लो डायमंड, डायमंड को मान लो एंड को। एंड भाई जो तीसरे टाइप के बंदे होते हैं, भाई वो कुछ कमेंट्री करती नहीं है, वो उन लोगों को बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। सिर्फ भाई यार, मैं तुम लोग को इतना कहना चाहूंगा, ये करोनो का टाइम नहीं है भाई, दिस इज 2020-24। अभी के टाइम पे अगर तुम लोग वॉइस ओवर नहीं करते हो भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर भाई तुम लोग को वॉइस ओवर करना नहीं आता तो भाई गधे हो तुम। भाई यार, दिल पे क्यों लेते हो, मैं मजाक कर रहा था। तुम लोग को रियली अगर वॉइस ओवर सीखना होगा तो तुम लोग मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। उसमें पूरा मैंने ब्रीफली समझाया कि तुम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो एंड उसे तुम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हो। उस वाली वीडियो का लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से तुम लोग देख कर सीख सकते हो। एंड भाई यार, अगर आप लोग को मेरे पीछे से बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो भाई प्लीज उसे इग्नोर करना, बिकॉज ऑफ जो मेरे बाजू में भाई एक भैया रहते हैं, पता नहीं उनको मेरे से क्या दुश्मनी है। भाई जब भी मैं वीडियो बनाने को बैठता हूँ, इतना जोर जोर में वो म्यूजिक बनाना चालू कर देते हैं यार। अगर भाई सही में इस वाली वीडियो पे अगर कॉपीराइट आ गया ना भाई, मैं बोलता नहीं, फिर कुछ भी नहीं करता। तो भाई यार, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है वो है थंबनेल। तो भाई यार, जब तुम लोग थंबनेल बनाने बैठते हो भाई, ये चीज को ध्यान में रखना, बंदे को अंदर से चुल मचना चाहिए कि तुम्हारे थंबनेल पर क्लिक करे। एंड तुम लोग भी जितना हो सके अपने थंबनेल को सिंपल बनाने की कोशिश करना, एंड टेक्स्ट भाई एकदम सोच समझ कर यूज करना। बाकी का ज्ञान मैंने इस वाली वीडियो में फुल पहला है भाई, तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में ये वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसमें मैंने तुम लोग को सिखाया कि तुम लोग सेंपाई, स्पाइडर और टेक्नोगेमर्स की तरह थंबनेल कैसे बना सकते हो। सो गाइस यार, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एडिटिंग की तरफ। मैं बोल तो ऐसे ही रहूं जैसे कि फुल एडिटिंग ट्यूटोरियल इस वाली वीडियो में बता दूंगा। तो भाई यार, एडिटिंग ट्यूटोरियल भी जल्द आने वाला है भाई, इसी बात पे तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर भी मैं तुम लोग को थोड़ा एडिटिंग के बारे में बता देता हूँ, ताकि तुम लोग अपनी एप्लीकेशन वीडियो बना सको। तो भाई यार, अब जब भी एडिटिंग करने बैठते हो सबसे ज्यादा फोकस करना अपने इंट्रो पर। एंड बता भी कौन सी वीडियो के लिए भाई, एप्लीकेशन वीडियो रहती 2 मिनट की। फिर भी भाई यार, तुम अपनी तरफ से 100% देना इंट्रो और इंट्रो हुक को तैयार करने में, ताकि तुम्हारे व्यूवर जो है भाई वो स्टार्टिंग में से ही तुम्हारी वीडियो को एंड तक बने रही है, तो इसीलिए काम आता है एडिटिंग। तो भाई एडिटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना आप लोग, एडिटिंग को भाई बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, पूरा 100% लगा देना। भाई एक सांस में बोलना पड़ता है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है भाई, बहुत ज्यादा बंदे उसको मिस करते हैं, जो कि है स्टोरी टेलिंग। एंड भाई यार, जो स्टोरी टेलिंग है गाइस, वो एक दिन या फिर एक महीने में सीखी नहीं जा सकती, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है सीखने में। एंड इसका यूज बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्रिएटर भी यूज करते हैं। अगर एक बार तुम इसको सीख गए ना भाई, कांग्रेचुलेशन, तुम बहुत देर तक सर्वाइव करने वाले हो यूट्यूब पर। बाकी भाई यार, इस टॉपिक पर एक फुल वीडियो डिजर्व करती है, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमें स्टोरी टेलिंग पर वीडियो लाओ कि नहीं। एंड भाई यार, तुम अपने एप्लीकेशन वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज कर सकते हो रिप्ले मोड। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास रिप्ले मोड नहीं है? तो भाई मैंने एक माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन में डिस्कवर किया एक नया रिप्ले मोड। फुल वीडियो का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा भाई, तुम लोग उसको देखकर सीख सकते हो। तो चलो गाइस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम लोग को सीखना है कि सेंपाई स्पाइडर की तरह थंबनेल कैसे बनाते हो, लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो। अगर तुम लोग को सीखना है कि टेक्नोगेमर की तरह थंबनेल कैसे बनाते हो, राइट वाले पे क्लिक करो। बाकी मैं तुमसे मिलता हूं वहीं पर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, सो टिल देन पीस एंड लव।
回二岁了整个当朝，今天阿七枪上起桌，金项链的三十二岁了整个当朝，驸马郎的齐君王啊，满皇上的回二岁了整个当。